उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी दल घोषणा पत्र निकाल जनता को अपनी तरफ झुकाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जहां कुछ दिनों पहले यूपी की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया था, तो वहीं अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पार्टी की तरफ से भाजपा की आकांक्षा पेटी जारी की है। तो क्या है पूरी खबर, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में यूपी नंबर एक सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ 15 दिसंबर से करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। इसके तहत जन आकांक्षाओं को पार्टी अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से जनता का सुझाव लेगी। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि 2017 के चुनाव में भी भाजपा द्वारा जनता के सुझावों पर ही संकल्प पत्र बनाया गया था। संकल्प पत्र के वादों के आधार पर हम चुनाव में गए थे, जिनका अनुपालन हमने सुनिश्चित किया, हमने जो कहा था उसे किया भी था, और इसी आधार पर इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में हम जनता के सुझावों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार के जरिए उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास के सभी पैमाने में अव्वल बनाने के लिए किए गए संकल्प को पूरा करेंगे। राकेश त्रिपाठी ने बताया कि आकांक्षा पेटी के माध्यम से हम समाज के सभी वर्गों से उनके सुझाव लेने के लिए विधानसभा स्तर तक जाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी प्रमुख महानगरों में संकल्प पत्र समिति के सदस्यों और विभिन्न सामाजिक व व्यावसायिक वर्गों के साथ संवाद स्थापित कर उनके सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा के संकल्प पत्र में वेबसाइट, ईमेल और मिस्ड कॉल के माध्यम से भी लोगों का सुझाव प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद जनता के मिले सभी सुझावों को शामिल कर पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी करेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार चैनल। धन्यवाद।